देखिए अब इसमें पढ़ेंगे संयुग्मी, सममित संख्याओं का संयुग्मी, सममित संख्या का संयुग्मी, ठीक ना। संयुग्मी को बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए यदि एक सममित संख्या लिखा हमने a प्लस आई बी, ठीक ना। तो अगर इसका हम कंजुगेट निकालना चाहें तो कंजुगेट को देखिए ऐसे ऊपर बार लगाते हैं, तो ये दिखाने का तरीका है। और इसमें क्या करते हैं, जो भी अधिकल्पित भाग है उसको चिन्ह बदल देते हैं, ठीक ना। चिन्ह बदलने का मतलब यदि ये प्लस में है तो माइनस में, और यदि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए कोई अगर उदाहरण ले लें कि जैसे जेड बराबर टू माइनस थ्री आई है, तो अगर इसका हम कंजुगेट निकालें तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री आई हो गया, ठीक ना। बस यही इसमें कंसेप्ट है जो हमको अभी जरूरत पड़ेगा आगे। अब देखिए यदि जेड का बार है, अगर हम इसका जेड का बार का फिर अगर हम बार निकालें, ठीक ना, इसके ऊपर फिर बार लगा दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कंजुगेट आया है ना, कंजुगेट जो आया है इसका, फिर हम इसका ये जो a माइनस आई बी जो आया है, ठीक ना, इसका फिर हम इसके ऊपर कंजुगेट लगा रहे हैं। तो मतलब क्या करेंगे कि जो चिन्ह बदल देंगे, वह अधिकल्पित भाग का चिन्ह बदल देंगे, तो क्या आ जाएगा हमको a प्लस आई बी। तो देखिए ये क्या आ गया हमको, वापस z आ गया, ठीक ना। मतलब कंजुगेट का कंजुगेट अगर करें तो ये फिर वास्तविक z हमको z वापस प्राप्त हो जाता है। इसमें देखिए कुछ गुण हैं उसको देख लेते हैं, ठीक ना। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही है। देखिए जैसे जैसे अभी पहला ही बताया था, पहला यदि कंजुगेट का कंजुगेट अगर करें हम तो हमको ये वास्तविक पूर्ण सममित संख्या जो है वो हमको प्राप्त हो जाती है, तो ये पहला नियम हो गया। यदि दूसरा है, देखिए यदि आप किसी भी दो सममित संख्या को जोड़िए फिर इसका कंजुगेट निकालिए, है ना, संयुग्मी करिए, या जेड वन का संयुग्मी करिए और जेड टू का संयुग्मी किए, अलग अलग करिए जोड़िए, तो सेम आंसर आता है, ठीक ना। थर्ड में देखिए जैसे जोड़ का हो गया, घटाना का देख लेते हैं। यदि दो सममित संख्याओं को घटाएंगे आप और इसका वो कंजुगेट लेंगे तो ये अलग अलग का कंजुगेट का माइनस के बराबर ही होता है। देखिए ये रहा इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट फिर माइनस करिए तो सेम आंसर आएगा। इसी प्रकार गुणे में भी यही नियम होता है, यदि दो सममित संख्या का गुणा करिए फिर इसका कंजुगेट लिखिए लीजिए, फिर इसका जेड वन का कंजुगेट का गुणा जेड टू के कंजुगेट से करिए तो सेम आंसर आता है। इसी प्रकार भाग में भी यही नियम होता है, देखिए जेड वन बटे जेड टू करके, ठीक ना, इस पूरे का अगर कंजुगेट करिए आप, पूरे का है ये, ठीक ना, ये पूरे के ऊपर बार है ये ऐसे, तो ये होता है जेड वन का कंजुगेट लेकर और जेड टू के कंजुगेट को लेकर भाग दे दीजिए, ठीक ना, तो सेम आंसर आएगा। तो ये था कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टी था। अब जब देखिए इसका हमने पढ़ लिया, अब हम सममित संख्याओं का गुणनफल, गुणन या गुणन तो कर लिया, भाग देखेंगे अब, ठीक ना। तो दो सममित संख्याओं का भाग कैसे होता है उसको देखते हैं। अब पढ़ेंगे सममित संख्याओं का, संख्याओं का भाग, तो देखिए दो सममित संख्या अगर ले लें हम, जेड वन बराबर ए प्लस आई बी और जेड टू बराबर सी प्लस आई डी, ठीक ना। तो यदि हम इसका भाग करें तो देखिए जेड वन बटे जेड टू, तो क्या होता है ये ए प्लस आई बी बटे सी प्लस आई डी, ठीक ना। बस इसमें सी प्लस आई डी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका कंजुगेट लेंगे, है ना, संयुग्मी करेंगे, ए प्लस आई बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसके, सी प्लस आई डी है, ठीक ना। तो जो हर में होता है उसी के कंजुगेट से, है ना, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए सी माइनस आई डी बटे सी माइनस आई डी, ठीक ना। तो ये संयुग्मी से किया इसलिए हमने पहले संयुग्मी को पढ़ाया। तो अब देखिए इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा,
ए का पहले इन दोनों पदों में करेंगे तो ए सी माइनस आई ए डी, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा आई और ये जाएगा बी सी और इसका गुणा करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर बी डी बट ए, और इनका गुणा करेंगे तो देखिए ए देखिए क्या लिखा हुआ है यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई है ना, सूत्र लगाएंगे ये वाला सूत्र लगता है यहाँ पर यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई बराबर यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए क्या लगें ये रखा इसका लगाएंगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें क्या करें देखिए ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है और माइनस वन और ये माइनस वन मिलकर प्लस हो जाएगा, लिख लेते हैं एक बार ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी और ये हो जाएगा प्लस बी डी हो जाएगा, ठीक ना। इस आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है और यहाँ पर ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस देखिए ये आई स्क्वायर हो जाएगा और ये डी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हल करते हैं आगे तो ये देखिए इसको और इसको जो वास्तविक भाग है इसको एक साथ लिख लेते हैं, लिखेंगे ए सी प्लस बी डी, ठीक है ए सी प्लस बी डी और ये हो जाएगा अगर आप यहाँ प्लस लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी हो गया, ठीक ना। अगर देखिए ये पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिया बटे में लिख लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा सी और देखिए ये आई स्क्वायर लिखा है आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है तो ये माइनस वन प्लस हो जाएगा तो ये जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो लिखेंगे ए सी प्लस बी डी बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक ना। ये वास्तविक भाग आ गया आई ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया काल्पनिक भाग, ठीक ना। तो देखिए दो समी संख्या को भाग करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है आंसर। अब देखिए कुछ किताब में लिखा है इसको कि मतलब बोलते हैं इसको याद कर लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इसको गुणा आता है तो आप गुणा करिए, ठीक ना। ये याद ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, भूल जाता है, इसलिए आप केवल इसका संयुग्मी से गुणा करना सीख लीजिए, ये हर जगह आपको काम आएगा। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब इसमें देखिए इसमें एक बंटन का नियम ले लेते हैं। देखिए एक बंटन का नियम इसमें होता है, बंटन का नियम, ठीक ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम है तो लॉ लिख लीजिए, प्रॉपर्टी लिख लीजिए। तो देखिए जैसे जेड वन है और यहाँ जेड टू प्लस जेड थ्री है तो ये जब खुलता है तो इसका बड़ा इसमें करते हैं तो जेड वन प्लस जेड वन गुड़े जेड टू प्लस जेड वन गुड़े जेड थ्री होता है। फिर अगर जेड वन और ये हो गया जेड टू माइनस जेड थ्री बराबर जेड वन जेड टू, जेड वन जेड टू माइनस जेड वन जेड थ्री, ठीक ना। तो इस प्रकार बंटन का नियम इस प्रकार लागू होता है। तो देखिए ये हमने सभी प्रॉपर्टी सीख लिया, भाग कैसे किया जाता है ना, समी संख्याओं का भाग इस प्रकार किया जाता है। इस पर हम कोई एक उदाहरण लिख लेते हैं, ले लेते हैं, देखिए यहीं पर उदाहरण हो जाएगा, कोई भी उदाहरण लिख लेते हैं समझने के लिए। देखिए जेड वन बराबर सिक्स प्लस थ्री आई लिख लेते हैं और जेड टू लिख लेते हैं टू माइनस आई लिख लेते हैं, ठीक ना, सिंपल है। अगर हम इसको भाग करना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे हम जेड वन बटे जेड टू बराबर सिक्स प्लस थ्री आई बटे टू माइनस आई, ठीक ना। अब क्या करेंगे जो हर में है उसका संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो लिखेंगे देखिए यहाँ संयुग्मी का करेंगे तो यहाँ माइनस आई है तो यहाँ प्लस आई लिखेंगे, ये प्लस आई, ठीक ना। तो जब देखिए इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री आई और टू प्लस आई बटे ये भी एक बार लिख लेते हैं ऐसे ये हो गया और टू प्लस आई हो गया, ठीक ना। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं तो देखिए छः का गुणा पहले इन दोनों पदों में करेंगे तो छः दुनी बारह हो जाएगा प्लस छः छः आई हो जाएगा प्लस और तीन दुनी छः आई हो जाएगा प्लस
और ये 6i² 3i² ठीक ना, बटे देखिए यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे तो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर ठीक ना। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 6 12 आई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3 है ना, आई स्क्वायर का मान माइनस 1 में होता है इसलिए माइनस 3 लिख लिया और बटे में ये 2 का 4 और ये आई स्क्वायर का माइनस 1 होता है ठीक ना। तो देखिए आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस, तो हम प्लस 4 1 लिख दे रहे हैं तो इसका देखिए क्या हो जाएगा 12 12 में 3 गया तो 9 प्लस 12 आई बटे 4 और 1 5 आ गया ठीक ना। और इसको अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो ये जगह 9 बटे 5 प्लस आई 12 बटे ये 5। तो इस प्रकार दो समी संख्याओं का भाग ऐसे किया जाता है। देखिए अब हम लोग लिखेंगे आई की घात ठीक ना, पावर ऑफ आई ठीक ना। तो आई की घात क्या लिखें, देखिए जैसे हमको मालूम है आई मतलब आयोटा बोलते हैं इसे, आई बराबर रूट अंडर माइनस 1 होता है ठीक ना। तो आई का मान सीधे सीधे हमको अगर रूट अंडर माइनस 1 पता है, अगर हम इसका वर्क कर लें तो हमको माइनस 1 प्राप्त होगा है ना, करनी पर हट जाएगी तो आई स्क्वायर का मान हमको माइनस 1 हो गया। अगर हम आई का पावर 3 लगा लें तो आई का पावर 3 का मतलब क्या होता है कि जैसे ये लिखा है आई स्क्वायर गुणे आई, यही लिखा है मतलब, तो आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं इसका मान मतलब होता है माइनस 1 गुणे आई, जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये हमको माइनस आई प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब आई 3 का मान भी हमको प्राप्त हो गया, आई 2 का मान प्राप्त हो गया ठीक ना। अगर हम आई 4 का मान देखें तो आई 4 का मान होता है आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर, इतना तो कर सकते हैं। तो इसका मान देखिए माइनस 1 होता है और इसका मान माइनस 1, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो आई की घात 4 का मतलब ये 1 हो गया ठीक ना। तो आई 2 आई 3 आई 4 का मान हमको ये प्राप्त हो गया ठीक। अब देखिए अगर इसके बड़ी घात का अगर पता करना हो, जैसे देखिए यहाँ तक तो ठीक है याद कर सकते हैं, अगर इसके घात अगर आई की घात 5 लिखा हो, आई की घात 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो और 9 लिखा हो ठीक ना। तो देखिए कैसे इसको करते हैं, देखिए इसको हम क्या करेंगे, आई की घात कितना भी लिखा हो उस पर हम सबसे पहले 4 से भाग करेंगे क्योंकि हमको मालूम है आई की घात 4 का मान 1 होता है। तो अगर हम सबको गुणा कर भाग करके अगर 4 घात के गुणज में अगर बदल लें हम तो थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो देखिए कैसे करना है, हम इसके बड़ी सी घात बता रहे हैं ठीक ना, आई की घात 4 के बाद अगर 5 6 7 या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या प्लस में ऋणात्मक हो चलेगा ठीक ना। तो देखिए आई की घात 5 अगर इसको हम भाग दें, देखिए इसको हम भाग दे रहे हैं 5 को 4 से, 4 एकम 4 ये आया अपना। तो इसको देखिए भाग को लिखते कैसे हैं, 4 एकम 4 प्लस 1 भाजक गुणे भागफल प्लस 1 इस प्रकार लिखते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 गुणे 1 प्लस 1 ठीक ना, 4 एकम 4 और 1 5 ठीक। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 4 घात 1 है ना, नियम होता है अगर इस तरह आप लिखें तो सेम आधार है, तो इसको अगर वापस करें तो सेम आधार होने के कारण घात आपस में इन दोनों की जुड़ जाती है तो ये वापस यही प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसको आई की घात 4 गुणे 1 ले सकते हैं गुणे आई, आई घात 1 मतलब आई होता है, इसका मान 1 होता है तो ये 1 गुणे आई, इसका मतलब आई मान आ गया हमको। तो इस प्रकार देखिए जो भी कितनी भी बड़ी घात लिखी हो उसको हम 4 से भाग कर देंगे ठीक ना। अब देखिए यदि आप 6 से भाग इसको 6 को अगर आई घात 6 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 4 एकम 4 और 2 6, तो इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा 4 गुणे 1 इस तरफ और 4 आई की घात 2 इस तरफ कर लिया। अब इसको हम बना लेंगे इस प्रकार ऐसे, ये सॉरी 4 एकम 4 ही है हाँ, और गुणे आई स्क्वायर लिख लिया, इसका मान 1 हो जाएगा और ये 1 गुणे ये आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान भी माइनस 1 हमको मालूम है। अब देखिए 1 हो गया गुणे माइनस 1 हो गया तो इसका मतलब माइनस 1 हमको प्राप्त हो गया ठीक ना।
इसी प्रकार देखिए अगर आठ का करें तो आठ का बहुत ईजी है, ये हो जाएगा चार दुनी आठ, ठीक ना। और इसको लिख सकते हैं चार आई घात चार गुणे दो, ये हो जाएगा एक, एक गुणे दो, एक की घात कितना भी हो आंसर एक ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसलिए देखिए चार के बाद फिर यहाँ पर आएगा, फिर एक शेषफल आएगा, है ना। किसी संख्या को अगर हम चार से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल कितना आ सकता है, जीरो आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, ठीक ना। मतलब भाजक से हमेशा कम आता है, मतलब देखिए जीरो एक दो तीन, चार तो नहीं आ सकता क्योंकि फिर से वो भाग चला जाएगा, चार के पौना में अगर चार शेषफल तो नहीं आ सकता, उससे कम आ सकता है। तो देखिए ये चीज़ आ रहा है, देखिए यहाँ पे शेषफल एक आ रहा है, यहाँ दो आ रहा है, यहाँ पे तीन आएगा और यहाँ पर पूरा कट जाएगा, ठीक ना। तो पूरा कट गया था तो यही चीज़ आता रहेगा बार बार। तो देखिए इस प्रकार अगर आई की घात देखिए मान लिए आई की घात 979 अगर हम चाहते हैं निकालने के लिए, ठीक ना। अगर इसका एग्जाम्पल है तो अगर इसका मान ज्ञात करना करें तो सिंपल आप इसको चार से भाग दे दीजिए 979, तो चार दुनी आठ हो गया, एक ये चार चौक 16 हो गया, एक और ये चार चौक 16 हो गया, ये तीन आ गया, ठीक ना। तो इसको हम ले सकते हैं आई की घात 244, चार गुड़े 244 + 3, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसको हम लिख देंगे आई के घात चार गुड़े 244 गुड़े आई के घात तीन, अलग अलग कर लिया। इसको लिख देंगे आई के घात चार गुड़े 244 गुड़े आई के घात तीन हो गया। अब इसका मान एक होता है, एक के घात 244 गुड़े, अब माइनस आई की घात तीन का क्या लिखा है हमने, माइनस आई होता है तो माइनस आई। अब देखिए वन का कितना बड़ा भी घात हो इसका आंसर वन ही आता है, इस प्रकार हमको माइनस आई प्राप्त हो गया, ठीक ना। और यही चीज एक उदाहरण ये हो गया, अगर एक उदाहरण अगर हम माइनस में ले लें, ठीक ना, एक माइनस में भी देख लेते हैं। तो एक लिख लेते हैं आई की घात -54, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे हम, दूसरा उदाहरण है ये सिंपल, इसको हम लिखेंगे एक बटे आई की घात 54। तो सबसे पहले इसका माइनस गायब हो गया, ठीक ना। अब इसको चार से भाग दे लेंगे तो ये हो जाएगा चार एकम चार, चार तीन 12, 13 14, ये आएगा हमारा, है ना। भाग करने के बाद 13 चौके 52, 53 54 हो गया। तो इसको हम अलग कर देंगे एक बटे आई की घात चार गुणे 13 और आई की घात ये दो, अलग अलग कर लिया इसको, इसका मान एक हो जाएगा, एक के घात 13 गुणे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर यहीं रहने देते हैं ऐसे, तो इसका मान तो एक हो जाएगा, तो ये जगह एक बटे आई स्क्वायर, ठीक ना। अब इस आई स्क्वायर का देखिए हमको मान मान कितना होता है, एक बटे माइनस वन होता है, ठीक ना। आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है। अब चाहें तो यहाँ पर इसको इसको माइनस को सीधे माइनस वन हम लिख सकते हैं, ये आ गया आपका उत्तर, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए आई की घात पर आधारित क्वेश्चन देखा, ये क्या होता है उसको भी हमने देख लिया। अब इसके आगे देखेंगे ऋण ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए अगला टॉपिक है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल। देखिए इसके अंतर्गत जैसे अगर हम करणी -36 का अगर हम ज्ञात करना चाहें तो देखिए हम इसको ऐसे ले सकते हैं, करणी में -1 या -1 गुड़े 36, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे हम, देखिए -1 को क्या लिखते हैं आई स्क्वायर और ये 36, आई स्क्वायर 36, पूरा लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। और इस वर्गमूल में से देखिए 36 ये आई स्क्वायर का आई बाहर निकल जाएगा, 36 का ये 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए यदि हम +36 का अगर ज्ञात करना चाहें, ठीक ना, तो देखिए अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -6 गुणे -6, ठीक ना, -6 गुणे -6 लिख सकते हैं या गुणे ब्रैकेट ही लगा दीजिए, ये हो गया ऐसे ब्रैकेट में होगा, ऐसे लिख सकते हैं आंसर तो 36 ही आएगा। फिर अगर हम इसको अलग अलग कर लें गुणे -करनी से,
ठीक ना। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये है -1, तो इस माइनस को क्या लिख सकते हैं हम, -1 गुणे 6 गुणे -1 गुणे ये 6 लिखा हुआ है, ठीक ना। इस प्रकार अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये i² 6 हो गया, और ये i² 6 हो गया, ये i -1 का होता है ना, ये लिख लिया। इसमें से ये आ गया हमारा i बाहर, 6 बज गया, इसमें से ये बाहर आ गया i, ये 6 बज गया, ठीक ना। नियम तक पूरा ऐसे कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया आई 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 स्क्वायर, और कर्णी छः हो गया, ठीक ना, ये आई स्क्वायर हो गया, ठीक ना, आई 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 स्क्वायर कर्णी छः हो गया। अब हमको मालूम है आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो -6 आ गया, ठीक ना। तो देखिए कर्णी 36 का मान देखिए -6 भी आ रहा है, ठीक ना, और हमको मालूम है कर्णी 36 का मान 6 आता है, -6 नहीं आता, तो देखिए इसमें गलती कहाँ हो गई, ठीक ना, कहीं तो गलती हुई हुई, अब मगर देखने से कोई गलत तो नज़र नहीं आ रहा है, तो देखिए इसमें गलती यही हुई है, देखिए यही गलती हो गई है। देखिए क्या होता है, यदि आप करनी ए लिख रहे हैं और करनी बी लिख रहे हैं, अगर आप इसको एक मिला कर लिखेंगे तो ये तभी सत्य होगा, जब ये सत्य होगा यदि ए और बी दोनों ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, दोनों ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये नियम होता है। देखिए दोनों माइनस माइनस लिख दिया था, ये देखिए दोनों माइनस में यही गलत हो गया था, ठीक ना, इसको आप इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। करनी के अंदर अगर ये दोनों ए बी में है, तो दोनों ये ए बी में दोनों ऋण में नहीं होने चाहिए, देखिए दोनों में ऋण में आया, तो यही गलत हो गया था ये, ठीक ना, ये नियम नहीं होता है। तो या कह सकते हैं, या कम से कम एक धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक में हो, ठीक ना, तो एक हो या दोनों धनात्मक हो चल जाएगा, ठीक ना, जैसे यहाँ पे एक धनात्मक था तो ये चल गया था, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है ना, ये दोनों धनात्मक हो तब भी चल जाएगा, मगर दोनों ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार ये हमको धनात्मक में होने चाहिए, ठीक ना, कम से कम एक धनात्मक में हो। अब देखिए इसकी कुछ आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, जैसे Z1 + Z2 का अगर ये होल स्क्वायर लगाएं तो क्या होता है, Z1 2² + Z1 Z2, और ये 2 रहेगा, ठीक ना। इस प्रकार दूसरा होता है Z1 - Z2 का होल स्क्वायर बराबर Z1² + Z2² और -2Z1 Z2, ठीक ना, बहुत सारी आइडेंटिटी है, यहाँ हम कुछ ही कुछ लिख देंगे बस। देखिए Z1² अगर हो -Z2² हो तो ये क्या आता है, Z1 + Z2 और Z1 - Z2 हो गया, ठीक ना। और अगर क्यूब का लिखे तो क्यूब वाला भी फॉर्मूला लिख लेते हैं यहीं पर, देखिए यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए एक होता है, अगर हम लिखना चाहें Z1 + Z2 का होल क्यूब लिखें तो होता है Z1³ + 3 Z1² Z2 + 3 Z1 Z2² + Z2 का होल क्यूब, ठीक ना। इसी प्रकार इसका माइनस वाला देख लेते हैं, तो होगा Z1 - Z2 का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है Z1³ - 3 Z1² Z2 + 3 Z1 Z2² - Z2³, ठीक ना, सब माइनस में होता है, यहाँ पर ये प्लस में होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसके अंतर्गत एक और टॉपिक बचा है, मापांक, है ना, समीप संख्याओं का मापांक के लिए, तो उसको अभी हम देखते हैं।
देखिए अब हम पढ़ेंगे सममित संख्या का मापांक, है ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए अगर हम कोई एक सममित संख्या ले लेते हैं a प्लस आई बी, ठीक ना, तो इसका अगर हम मापांक ज्ञात करें तो मापांक इस प्रकार ऐसे लिखा जाता है ना, मॉडुलस बोलते हैं या मॉड बोलते हैं, मॉड ऑफ जेड। तो इसको लिखते हैं देखिए करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, ये होता है। या कहिए अगर इसको इस प्रकार लिखें, देखिए करनी में देखिए आर ई ऑफ जेड मतलब वास्तविक भाग का वर्ग प्लस आई एम और जेड मतलब अधिकल्पित भाग का वर्ग, तो ये हमको मापांक ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए यदि हम किसी भी ये सममित संख्या दिया है, यदि हम इसका संयुग्मी निकालें, ठीक ना, संयुग्मी निकालते हैं तो ये जाएगा a माइनस आई बी हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम इसका मॉड निकाल लें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आ जाएगा a, देखिए वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग, ऐसे, ठीक ना, अधिकल्पित। तो देखिए इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब संयुग्मी का मॉड या मॉडुलस देखिए इसी के बराबर आता है, ठीक ना। और अगर हम इसी संख्या का ऋणात्मक निकाल लें, देखिए ऋण निकाल रहा हूँ मैं इसका, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस आई बी, ठीक ना। अब मैं इसका अगर मॉड निकाल दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होता है वास्तविक भाग का वर्ग प्लस माइनस बी का वर्ग, अधिकल्पित भाग का वर्ग कर लिया, तो इस प्रकार हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका इतना मतलब चला पता चला कि अगर किसी सममित संख्या का अगर उसे ऋणात्मक भी अगर निकालें, उसका मॉड निकालें, तो उसका मान सेम आ रहा है। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखिए पहला हो गया कि यदि आप इसका मॉड निकालें, सममित संख्या का मॉड या इसके संयुग्मी का मॉड निकालें या इस ऋणात्मक संख्या कर लें और इसका मॉड निकालें तो सेम आएगा आंसर, ठीक ना। तो ये पहली समय कह सकते हैं मॉडुलस का पहला नियम है या प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे यदि दो सममित संख्या का गुणा करके, ठीक ना, अगर आप इसका मॉड निकालिए या इनका अलग अलग मॉड निकाल के गुणा कर दीजिए तब भी ये सेम आएगा आंसर, ठीक ना। इसी प्रकार थर्ड है, दो सममित संख्या का भाग कर लीजिए और इसका मॉड निकालिए, तो इनका अलग अलग मॉड निकाल के भी भाग करिए तो सेम आंसर आता है, ठीक ना। एक है जेड का जेड मॉड, इसका अगर हम मॉड निकालिए तो ये होता है जेड मॉड का स्क्वायर ही होता है, ठीक ना। मतलब एक सममित संख्या के इसके संयुग्मी के संग गुणा कर लीजिए, फिर इसका अगर मॉड निकालेंगे तो इसी संख्या के मॉड के स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार हमने इसके प्रश्नावली 5.1 का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 देखेंगे।